हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेदे ऑनलाइन क्लास। और पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 14 के वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे जो है प्रैक्टिस सेट 14 में। इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्ले नहीं हो रहा था, तो मेरे को डिलीट करना पड़ा। तो अभी मैं ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ इसमें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें क्या दिया है, एक नंबर दिया है जो कि है 378.025, ठीक है। तो उसको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से हम लोग ने लिखा हुआ है और उसको हम लोग का प्लेस वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखो, पॉइंट के पहले नंबर को प्लेस कैसे बोलते हैं, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस। यूनिट प्लेस देखो, ठीक है, यूनिट प्लेस पे देखो 8 है, टेंथ प्लेस पे 7 है और हंड्रेड प्लेस पे 3 है। अभी पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं और कैसे लिखेंगे, देखो 0 जो है वो टेंथ प्लेस पे है, 2 जो है वो 100 प्लेस पे है और 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हम लोग को और 3 वैल्यूज दे दी है टेबल में, बाकी की जो 3 वैल्यूज है वो हम लोग को निकालनी है। तो देखते हैं अभी हम लोग वो वैल्यू कैसे निकालनी है। देखो, तो अभी यहाँ पे क्या किया है, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 300। अभी इसमें भी सेम करना होगा हम लोग को, 10th मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 70। इसमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 8। तो यहाँ पे 70 और 8 ये आंसर हो गया, ये दो। उसके बाद इसमें कैसे करना है, देखो जो ये वैल्यू है 0 अपॉन 10, ठीक है, मतलब इसमें भी सेम मल्टीप्लीकेशन ही करना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 बाय 100, ठीक है। तो अभी इसको लिखना कैसे है पॉइंट में, देखो 1 के बाद कितने 0 है, 2 0 है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो 0.02 पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, 02। अभी यहाँ पे भी देखो सेम लॉजिक, 5 अपॉन 1000, भी 1 के बाद 3 0 है, तो देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर आए, 1 2 3, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को क्या करना है, जो पॉइंट्स में नंबर है, जो डिजिट नंबर है उनको ऐड करना है। तो देखो करते हैं हम लोग ऐड, 905.5, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो 1 9 7 वो लिख लिए और फिर 7 2, उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अभी इधर कुछ भी नंबर नहीं है तो मतलब हम लोग 0 0 कंसिडर करते हैं। तो 0 प्लस 7 कितना होगा, 7, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 3 एंड 9। तो ये हो गया आंसर इसका। इसके बाद ये वाला नंबर क्या है, 39.0, पॉइंट जीरो की लिख रहा है क्योंकि इधर सिर्फ 39 है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 कंसिडर करते हैं। अभी पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर है, 6 5, 2 नंबर है, इधर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देता हूँ, 0 0 7। 0 प्लस 5 एडिशन करना है, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 6 6 9 3 7, ठीक है। तो अभी इसके बाद 3 नंबर है ये, 40.0। अभी पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 नंबर है तो 2 3 0 दे देता हूँ, ये पॉइंट। पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है, 7 लिख लिया, 7 2। पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पे, 3 4 5 1। देखो ये डिजिट के नीचे जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे ही लिखना, तो एडिशन करने में आपको आसानी होगी। तो इसके बाद यहाँ पे 2, तीनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 4 हाउ मच, 11, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 एंड 9 8 9 10, ठीक है, 5 6 7, 70.151। तो ये हो गया एडिशन। इसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डेसिमल नंबर का हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो सेम हम लोग पहले नंबर लिख लेते हैं, 85.96, पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पे, 3 4 5, अभी इधर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 और यहाँ पे 2 माइनस करना है। तो देखो अभी
जीरो में से फाइव माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो उसके लिए यहाँ पे टेन बनाना पड़ेगा। टेन बनाने के लिए एक नंबर बाजू वाले से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेन बन गया। टेन में से फाइव माइनस हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो यहाँ पे फाइव, फाइव में से फोर माइनस हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पे वन बचेगा। नाइन में से थ्री माइनस हो सकता है, हो सकता है, कितना बचेगा? सिक्स। फाइव में से टू, हाँ हो सकता है, थ्री एंड देन एट, हो गया सिंपल। बस अपने को जो नंबर लिखना है वो लिखने आना चाहिए, ध्यान देना कैसे मैं लिख रहा हूँ नंबर। 632.24 माइनस, पहले पॉइंट दे दो, पॉइंट के बाद दो नंबर है, फोर एंड देन फाइव, और फिर सेवन और नाइन माइनस करना है। फोर में से फाइव माइनस होगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो, टू में से फोर माइनस होगा? नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, वन यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? फोर्टीन। फोर्टीन में से फाइव माइनस होगा? हाँ होगा, तो कितना बचेगा? नाइन। यहाँ पे भी देखो, वन में से फोर नहीं होगा तो इधर से लेना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे इलेवन हो गया। इलेवन में से फोर माइनस होगा? हाँ होगा, कितना बचेगा? सेवन। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखो, वन में से सेवन नहीं माइनस हो रहा है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पे इलेवन हो गया, इलेवन में से सेवन गया, कितना बचेगा? फोर। टू में से नाइन नहीं जाएगा तो यहाँ से लो, फाइव बचा, यहाँ पे कितना बन गया? ट्वेल्व। ट्वेल्व में से नाइन गया, कितना बचेगा? थ्री, और यहाँ पे फाइव। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाला। अभी ये थर्ड वाला देखते हैं क्या है। 200.005 पॉइंट दे दो, पॉइंट के बाद 186, 186, फिर क्या है? सेवन एंड देन वन माइनस करना है। फाइव में से सिक्स जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे टू है। ठीक है, अभी सब जगह जीरो है तो क्या लेंगे? एक तो ले भी नहीं सकते, तो इस यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं और इधर एक ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे कितना बन गया? टेन बन गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे, यहाँ से एक गया, यहाँ पे कितना बन जाएगा? टेन। यहाँ से एक नाइन बन गया, तो यहाँ पे टेन बन जाएगा, नाइन देन टेन, नाइन एंड देन फोर। अभी ये कैसे आया देखते हैं। पहले देखो, यहाँ से यहाँ पे टू था, वन कम हुआ, यहाँ पे टेन बन गया। अभी यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे टेन बनाने के लिए इसने एक कम किया तो यहाँ पे नाइन बच गया। अभी इसको दस बनाने के लिए इसने एक कम किया तो यहाँ एक नाइन बच गया। इसको दस बनाने के लिए इसने एक कम किया, मतलब इसने इसको दिया उधार, तो यहाँ पे भी नाइन बन गया। और यहाँ पे फोर्टीन बनाने के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? टेन बन गया, यहाँ पे टेन बन गया। फिर इसने अपना एक इसको दिया, ठीक है, वन दिया, तो यहाँ पे नाइन बच गया। और ये ऊपर के कितने हैं? फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्टीन माइनस सिक्स होगा, तो फिफ्टीन माइनस सिक्स कितना होगा? फाइव, फोर, नाइन। ठीक है, नाइन में से एट जाता है, हाँ जाता है, वन बचा, नाइन में से वन गया, एट बचा। अभी नाइन में से सेवन जाएगा, कितना बचेगा? दो बचेगा। नाइन में से वन गया, कितना बचेगा? एट बचेगा, और यहाँ पे वन, तो 182.819 ये हो गया थर्ड का आंसर। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 खत्म होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।